आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रुई से भी ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी इडली की रेसिपी, साथ में डोसा की भी रेसिपी। इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। आप यहाँ देख सकते हो मैंने जो इडली बनाई है कितनी सॉफ्ट है और स्पंजी है। मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपकी भी इडली बनेगी। मेरे सारे ट्रिक्स और टिप्स फॉलो कीजिए और आपकी इडली इसी तरह बाजार जैसी सॉफ्ट बनेगी, एकदम रुई जैसी और बिल्कुल जालीदार है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल जालीदार है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस इडली की रेसिपी को बनाना। मैं हूँ शिल्पी, शिल्पी किचन में आपका स्वागत है। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ देखिए पोहा लिया है 1/4, और साथ में मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है 1/4, और साथ में यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ली है। आपको मैं चम्मच से काउंट करके भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ कितना लिया है, क्योंकि मेज़रमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, मैंने यहाँ 1 कप उड़द की दाल ली है, ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है। आप एक ही से मेज़रमेंट करें, चाहे कप से करें, चाहे ग्लास से करें, किसी से भी मेज़रमेंट करें, लेकिन आपका मेज़रमेंट एक ही होना चाहिए। ये देखिए, मैंने 1 कप धुली हुई उड़द की दाल ली है, और अगर आप ग्लास से मेज़रमेंट कर रहे हो तो भी उसी से बाकी का भी मेज़रमेंट करें। साथ में मैंने यहाँ मेथी दाना लिया है, इसे हम चम्मच से देखेंगे। ये चम्मच से एक चम्मच है, एक छोटी चम्मच से एक चम्मच है। ये देखिए, ये बड़ा चम्मच से थोड़ा सा कम है, यानी एक छोटा चम्मच है ये। साथ में यहाँ मैंने पोहा लिया है, ये देखिए, इसे भी मैं नाप कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच, ये लगभग 4 चम्मच है। इसे भी हम डाल देंगे और इसे हम पानी में डाल के अच्छे से फूलने के लिए रख देंगे 5-6 घंटे के लिए। ये अच्छी तरह से जब फूल जाए तो इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसे मिक्स कर लें, इसे आप अभी ही धो लें अच्छी तरह से। इसके बाद फिर इसमें पानी डाल के अच्छी तरह से फूलने के लिए 5-6 घंटे के लिए रख दें। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी गंदगी, इसे हम धो लेंगे, फिर उसके बाद फूलने के लिए रखेंगे। अब चावल का क्वांटिटी भी हम देख लेते हैं, चावल की क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है। थोड़ा सा और पानी इसमें हम डाल देंगे ताकि अच्छे से फूले। चलिए, इसे हम अलग रख देते हैं। साथ में मैंने यहाँ देखिए चावल लिया है, ये इडली वाला चावल है, चाहे आप कोई भी चावल ले सकते हो। इसमें मैं आपको चावल का साइज भी दिखा रही हूँ। चलिए, इसे भी हम डाल लेते हैं। क्वांटिटी हमारी होगी, यानी अगर हमने 1 कप उड़द की दाल ली है तो 3 कप हम चावल लेंगे। यहाँ देखिए, मैं इक्वल क्वांटिटी में ले रही हूँ। आपको याद रखना है 3 कप चावल लेंगे तो 1 कप उड़द की दाल, यानी 3:1 की रेशियो होगी चावल और उड़द दाल की। इसमें आपकी इडली भी अच्छी बनेगी और डोसा भी अच्छा बनेगा। इसे हम अच्छे तरह से रख देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसे हम फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अगर गर्मी के दिन है तो ये 3 से 4 घंटे में फर्मेंट हो जाती है अच्छी तरह से। अगर ठंडी का मौसम है तो आप इसे माइक्रोवेव में रख सकती हैं, नहीं तो जहाँ गर्म स्थान है वहाँ इसे रख दें, ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएंगे। अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं। मैंने भी यहाँ पे सेम मेज़रमेंट किया है, पानी डाल के अच्छी तरह से धो ले, उसके बाद इसे फूलने के लिए रखें। सेम प्रोसेस है ये। डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, आप इस वीडियो को अंत तक देखें कि किस तरह से आपके डोसे और इडली दोनों बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे सेम बैटर से, यानी कि सेम बैटर से आप दोनों अच्छी तरह से बना सकोगे। चलिए, इसे रखते हैं। ये देखिए, हमारा डोसा बैटर और इडली का बैटर बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल फर्मेंट भी हो गया। मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, मैंने
दोनों को अलग अलग ग्राइंड किया था, यानी चावल के मिक्सर को अलग और उड़द की दाल के मिक्सर को अलग ग्राइंड किया था। और इसे मैंने दो घंटा इसे रख दिया था, और ये दो घंटे में ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया, क्योंकि ये गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में ये जल्दी फर्मेंट हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसमें एक चम्मच आप नमक थोड़ा डाल दें, ताकि हल्का सा टेस्ट अच्छा लगे इडली और डोसे का। देखिए, गर्मी के दिनों में ये तुरंत 1 से 2 घंटे में फर्मेंट हो जाता है, लेकिन ठंडियों में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मैंने यहाँ इडली का सांचा लिया, यानी बर्तन है। ये देखिए, मेरे पास एल्युमिनियम का ये बर्तन है, ये दो स्टैंड वाला है, एक ऊपर एक बाहर है। ये देखिए, इस तरह का स्टैंड अगर आपके पास है तो सही है, नहीं तो आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हो। इसके नीचे मैंने पानी रख लिया है, ये देखिए मैंने पानी रख लिया है, और इस ट्रे को मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया है, तेल से ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें हम इडली वाले घोल डालेंगे। मैंने इडली के घोल को इस सांचे में डाल लिया है, और इसे अब हम गैस पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, और ये 3 से 4 मिनट में आपका इडली बनकर तैयार हो जाता है। चलिए, इसे अब हम गैस पे रखते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और मैंने इसे निकाल लिया है, और इसे मैंने 5 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए रख दिया था, और ये देखिए ठंडा भी हो चुका है। चलिए, इसे हम चम्मच की सहायता से निकाल लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीस कर दिया था तेल से। ये देखिए, और ये देखिए कितना अच्छा स्पंजी और जालीदार बना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप इडली का बैटर ले वो गाढ़ा होना चाहिए। मैं आपको शुरू में ही दिखा दी हूँ कि कितना गाढ़ा था, उतना ही गाढ़ा रखना है आपको इडली का बैटर, पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ये देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, देखिए आसानी से निकल जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। आप इसमें हल्का सा नमक बिल्कुल डालें, जो मैंने नमक डाला है। नमक आपको फर्मेंट होने के बाद ही डालना है, जब आपको इसे बनाना है तभी डालना है, पहले आप नमक ना डालें। इस तरह से सारी इडली को हम सांचे से निकाल लेंगे, और इसे मन चाहे चटनी के साथ और सांभर के साथ सर्व करेंगे। चलिए, डोसा भी बना लेते हैं। ये देखो इडली कितनी सॉफ्ट बनी है, इसे मैं दबा कर आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रूई से भी ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये इडली बनी है, बहुत ही टेस्टी। मैं इसे पूरा दबा के आपको दिखा रही हूँ, पूरी जालीदार है। मैं आप इसे खाकर भी बता रही हूँ, ये बहुत स्पंजी और टेस्टी बनी है। सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए, आपकी भी इडली बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए, मैं चटनी के साथ खा रही हूँ, मैंने नारियल और बादाम की चटनी बनाई। सर के लिए यहाँ पे घोल ले लिया है, आप देख सकते हो हमें इतना ही पतला घोल चाहिए। देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला चाहिए, गाढ़ा घोल हमें इडली के लिए चाहिए, और उससे हल्का घोल पतला हमें डोसे के लिए चाहिए। इसमें मैंने हल्का पानी डाल के मिला लिया। मैंने इस तरह का तवा यूज़ किया है, ये नॉनस्टिक ही तवा है, लेकिन ये पुराना नॉनस्टिक तवा है। आप नया वाला नॉनस्टिक तवा यूज़ ना करें, उसमें अच्छा डोसा नहीं बन पाता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें अब हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, और इसे हम टिश्यू पेपर से पूरे तवा को अच्छी तरह से इसे पोंछ लेंगे, ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से, ये चिकना हो जाए हमारा तवा इस तेल से। आपको ये टिप्स फॉलो करनी है अच्छी तरह से। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे चिकना कर लिया है। मैंने अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, ये तो ये हाथ भी जल सकते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद फिर से इसे हम अच्छी तरह से पोंछेंगे। ये देखिए हल्का गर्म हो गया, नॉनस्टिक पैन जल्दी गर्म हो जाते हैं। इस तरह से फिर से टिश्यू पेपर से जो मैंने पानी का छिड़काव किया था इसे हम पोंछ लेंगे। अब इसमें हम डोसा बैटर डालेंगे, आप देख सकते हो ना ज़्यादा ये पतला है और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा है, बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें रखना है बैटर, और इसे हमें चारों तरफ घुमाना है। ये देखिए, ये मैं पेपर डोसा बना रही हूँ। पहले आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से इसमें जाली उठ गई है, ये अच्छी तरह से फर्मेंट है। अब इसके ऊपर से हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे, आप कोई सा भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल या रिफाइन ऑयल,
या ऑलिव ऑयल, कोई सा भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके चारों तरफ हम डाल के इसे मिला देंगे। अब देखिए ये हल्का सा लाल होना शुरू हो जाएगा। अब इसे हम, पहले हम मीडियम फ्लेम पे इसे बना रहे थे, अब फ्लेम इसका हम मीडियम टू हाई कर दें। ये देखिए हल्का सा लाल हो गया है। ये मैंने पेपर डोसा बनाया है। चलिए अब इसे हम पलट लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है। आप इसे चटनी और सांभर के साथ खाएं। आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल आपका डोसा और इडली बन जाएगा। हमारा पेपर डोसा बनकर तैयार है, बिल्कुल क्रिस्पी बना है, बहुत ही पतला है। मैंने इसमें आलू का स्टफिंग नहीं दिया है, आप इसमें डाल सकते हो। चलिए अब जो नॉर्मल वाले डोसे होते हैं वो भी बना लेते हैं। देखिए बनाने के बाद मैं फिर से पानी का छिड़काव कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि टेम्परेचर लो हो जाए। और फिर से ये हम बैटर डालेंगे। आप देख सकते हो कितना गाढ़ा ये बैटर है। इस तरह से बीच में रख के हम गोल गोल घुमाएंगे। पेपर डोसा का थोड़ा बैटर पतला होता है और ये जो नॉर्मल वाले डोसे होते हैं उसका हल्का गाढ़ा होता है। अब इस जब ये डोसे के ऊपर का ब्रश सूख जाए तो इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और ऑयल से सारे डोसे पे हम ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से। अभी देख सकते हो आप धीरे धीरे ये लाल होना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है। अब इसके ऊपर से आप देखिए इस तरह से आप मोड़ दें और ये देखिए हमारा डोसा कितना क्रिस्पी और टेस्टी बना है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी। आप भी सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करें जब भी बनाओ। उसके बाद फिर से पानी का छिड़काव करो और फिर उसके बाद बैटर डालो। ये देखिए डोसा हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए दोनों तरह के मैंने डोसे बनाए हैं, एक पेपर डोसा बनाया है और एक जो नॉर्मल वाले डोसे बनते हैं वो भी मैंने बनाया है। आप सारे मेरे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए, आपके भी डोसे बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। और आप मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक